हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए टेक्नीशियन 3 पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत लखनऊ मंडल के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि यांत्रिक समाडी विभाग के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि टेक्नीशियन 3 फिटर और एंसिलरी पोस्ट के लिए ये पेपर कंडक्ट हुए थे। पर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो ये भी हाल ही में 21 जनवरी 2023 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 100 में 100 प्रश्न का जवाब देना था। साथ ही बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को टोटल 90 मिनट का समय दिया गया था और इसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न की तो पहले प्रश्न पूछे गए थे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LHB, मीन्स LHB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LHB का फुल फॉर्म लिंग हॉफमैन बुश होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लिंग हॉफमैन बुश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ LHB कोचेज बॉडी, जो हमारा बॉडी टू बॉडी LHB कोच की जो लेंथ होती है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बॉडी टू बॉडी की अगर बात करें तो यह 23,540 mm होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 23,540 mm हो जाएगा लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। अगर आपसे लेंथ ओवर कपलर पूछा जाए तो यह 24,000 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेज, मीन्स LHB कोचेज की उच्च जो हमारा क्षमता है वो क्या है। तो वो 160 किलोमीटर तो चल रहे हैं और उसको मैक्सिमम हम अपग्रेड करके 200 किलोमीटर पर आवर तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ LHB कोचेज डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम, मिस LHB कोच की D2 शेड्यूल यानी डिपो शेड्यूल जो होते हैं टू, उसकी अनुरक्षण कितने पीरियड पर की जाती है D2 की। तो D2 की अगर बात करें तो यह 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज। यहाँ पर अगर बात करें तो D1 हमारा एवरी ट्रिप्स यानी प्रत्येक ट्रिप्स पर कराए जाते हैं D1 शेड्यूल्स। D2 की अगर बात करें तो D2 यहाँ पर 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। वहीं अगर D3 की अगर बात करें तो D3 हमारा 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर D3 शेड्यूल्स के कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं SS2 यानी सॉफ शेड्यूल 2 मेंटेनेंस ऑफ LHB कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम, मिस LHB कोच का सॉफ शेड्यूल जो होता है वो अनुरक्षण 2 कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो अगर बात करें SS2 शेड्यूल्स की तो SS2 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस केस में यह कराए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 ईयर्स हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा SS2 शेड्यूल्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 शेड्यूल्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी 12 लाख किलोमीटर्स SS2 शेड्यूल्स के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज्ड इन एसी एलएचबी कोच इज, मिस एसी एलएचबी कोचों में जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग होता है वो कौन से टाइप के होते हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें तो वह डीसीपी टाइप होता है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डीसीपी टाइप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द होटल लोड, मिस होटल लोड क्या होता है। तो होटल लोड की अगर बात करें तो यह लाइट एंड फैन लोड्स, पेंट्री इक्विपमेंट लोड्स और एयर कंडीशनिंग लोड्स तीनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एवब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन WRA, यानी WRA का यहाँ पर कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है वो पूछे गए हैं। तो WRA का मतलब होता है वाटर रेजिंग एपरेटस, जो इसका फुल फॉर्म होते हैं, उसमें कौन से मोटर, कौन से टाइप की मोटर प्रयोग की जाती है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स का प्रयोग किया जाता है WRA के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी पंप सेट्स प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, मिस एलएचबी कोचों में कितने पंप सेट्स लगे होते हैं वो यहां पर पूछे गए हैं। तो एलएचबी कोच की अगर अंतर्गत बात करें तो पंप सेट्स टोटल हमारा 2 सेट्स लगे होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ईच पंप्स इन एलएचबी कोच इज अल्टरनेटली स्विच्ड बाय द पंप कंट्रोलर फॉर हाउ मेनी आवर्स, मिस एलएचबी कोचों में प्रत्येक पंप कंट्रोलर कितनी देर में स्विच करता है। तो इसकी अगर टाइम पीरियड पूछे गए हैं कितने देर पर वह स्विच करता है, तो यह 4 आवर्स की टाइम्स होती है, यानी 4 घंटे की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन एसी एलएचबी कोच, मिस एसी एलएचबी कोचों में कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अगर बात करें तो रेफ्रिजरेंट 22 और 407C का प्रयोग किए जाते हैं, यानी 2 टाइप्स की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इज यूज्ड इन द पावर कार्स, मिस एलएचबी पावर कार में कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है वो पूछे गए यहाँ पर। तो अग्निशामक पावर कार्स की अगर बात करें तो उसमें ड्राई केमिकल पाउडर्स टाइप का प्रयोग किए जाते हैं, यानी डीसीपी टाइप, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, POH मेंटेनेंस ऑफ LHB कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम, मिस LHB कोच का POH कितने दिनों पर बात किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो POH 1 होता है जो LHB कोच की, वह SS2 यानी शॉप शेड्यूल 2 को ही हम POH 1 के नाम से जानते हैं। अगर उस केस में अगर बात करें तो यह SS2 जो हमारा शॉप शेड्यूल 2 होता है LHB कोच का, वह 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स की अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया कि कितने जो हमारा लॉन्ग टाइम होते हैं तो उस कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो जब हमारा 12 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो कोडा लाइफ ऑफ LHB कोच, LHB कोच की कोडा लाइफ पूछे गए हैं। तो भी करंटली में कई सारे डिवीजन्स में इसका उत्तर 35 ईयर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी इसका सही उत्तर 35 वर्ष ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो विच ईयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड इन LHB कोच, मिस LHB कोच स्टॉक पर किस प्रकार की ईयर ब्रेक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम लगे होते हैं LHB के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, एलएचबी कोच 16 बार मेड ऑफ, मिस एलएचबी कोच का 16 बार किसका बना होता है, किस कौन से मटेरियल्स की? तो इसमें अगर बात करें 16 बार्स की, तो 16 बार आईआरएसएम 41 का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योर डैम्पर्स इज फिक्स्ड एट, मीन जो योर डैम्पर्स कहाँ पर फिट होते हैं? तो यह हमारा जो एलएचबी कोच लगे होते हैं अंडर फ्रेम्स और जो हमारा बोगीज के बीच कनेक्ट होते हैं, जिसके बोगी से कोच से आने वाले जो हमारा झटके या शॉक्स होते हैं उसको ट्रोली यानी बोगी पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं योर डैम्पर्स की मदद से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें योर डैम्पर्स की, तो पर कोच 4 की संख्या में योर डैम्पर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीआर टैंक कैपेसिटी यानी जो कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं उसकी यहाँ पर क्षमता पूछे गए हैं, तो वह 6 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, एआर टैंक कैपेसिटी जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है यानी सहायक रिजर्वायर, उसकी क्षमता यहाँ पर पूछे गए, तो वह 200 लीटर के होते हैं कोचिंग के केस में, क्योंकि यहाँ पर बताए नहीं गए हैं कि कोच से रिलेटेड या बैगन से रिलेटेड, लेकिन मोस्टली यहाँ पर कोच से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बेसिस पर आप यहाँ पर 200 लीटर इसका उत्तर ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर एलएचबी कोच जो ब्रेक सिलेंडर ब्रांच पाइप डायमीटर इज, मीन्स जो ब्रेक सिलेंडर लाइंस के ब्रांच पाइप का डाया कितना होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें ब्रांच पाइप ब्रेक सिलेंडर लाइंस की, तो ब्रांच पाइप 18 mm के होते हैं यानी 18 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें मेन पाइप के लिए, तो जो एलएचबी कोच की मेन पाइप्स की डाया होती है वह 25 mm की होती है, जबकि ब्रांच पाइप 18 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर ब्रेक एक्सीलेटर है, ब्रेक एक्सीलेटर जो क्या होते हैं, तो वह बात करें तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिवेट्स एट, मीन्स ब्रेक एक्सीलेटर डैश के दौरान सक्रिय होता है, तो वह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के टाइम्स में वह एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डंप वाल्व एप्लीकेशन इज, मिस डंप वाल्व किस एप्लीकेशन होती है, तो वो ओनली ब्रेकिंग और ओनली डी ब्रेकिंग यानी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटी स्कीड डिवाइस इज, मिस एंटी स्कीड प्रणाली क्या होती है, तो वो न्यूमेटिक डिवाइस होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ एंटी स्कीड डिवाइस डज नॉट एक्टिवेट्स देन द पॉसिबल रीजंस आर, मिस अगर एंटी डिवाइस प्रणाली सक्रिय नहीं होती है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स में फ्यूज नंबर लगे होते हैं 63 और 65, वो ब्लोन आउट हो चुके हो, और सेकेंड हो केस ये हो सकता है कि प्रेशर स्विच सेटिंग्स डिस्टर्ब हो, जो प्रेशर स्विच का सेटिंग होता है वो डिस्टर्ब हो चुका हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस केस में एंटी स्कीड डिवाइस एक्टिवेट ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ माइक्रो प्रोसेसर इन व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन इज शोइंग 99, इट मींस, अगर
माइक्रोप्रोसेसर पर कोड 99 शो करता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि सिस्टम वर्किंग फाइन, यानी जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया कंडीशन में चल रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, PEASD फुल फॉर्म इज मिस, जो PEASD का फुल फॉर्म है वो होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, जो कि अगर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन LHB कोच ब्रेक पैड कंडमनेशन लिमिट्स, जो LHB कोच की ब्रेक पैड की कंडमनेशन लिमिट क्या होती है वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो उस 7 mm पर होने पर हम उसको ब्रेक पैड को कंडम कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यू कंडीशन की बात करिए तो न्यू कंडीशन में यह 35 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, इन LHB ब्रेक डिस्क इज मेड ऑफ, मिस LHB कोच में ब्रेक डिस्क बना होता है तो वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ब्रेक डिस्क की डाया की यानी डायमीटर्स की, तो वह 640 mm के यानी 640 mm के होते हैं, जबकि अगर थिकनेस की अगर बात करें यानी मोटाई की, तो यह 110 यानी 110 mm न्यू कंडीशन में होता है और 96 mm जो होने पर हम उसको कंडम कर देते हैं थिकनेस के बेसिस पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज इज, मिस ICF ब्रॉड गेज कोचों की लंबाई कितनी होती है, बॉडी यहाँ पर बॉडी से पूछी गए, तो वह 21,337 mm होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21,337 mm लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF कोचेज। वहीं अगर लेंथ ओवर बफर पूछा जाता है ICF कोचेज का, तो वो होता है 22,297 mm। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली, मिस ICF ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर डैशबोर्ड भी उपयोग होता है, साइड मिरर भी पार्ट्स होते हैं, शॉक एब्जर्वर्स ही होते हैं, यहाँ पर ड्रैग लिंक जो हमारा है वो कोई पार्ट्स इसमें उपलब्ध नहीं होते हैं ICF ट्रॉली के अंतर्गत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो येलो स्ट्रिप्स ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट्स, मिस ICF की अंतिम बॉडी पर पीली पट्टी क्या दर्शाती है, तो वह एंटी टेलीस्कोपिक दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहां ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन ACICF और RCF कोचेज, मिस ACICF RCF कोचों के अंतर्गत कितने इमरजेंसी विंडोज लगे होते हैं, उसकी संख्या यहाँ पर पूछे गए हैं, तो यह टोटल 4 की संख्या में होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय FRP, FRP से आप क्या समझते हैं, तो FRP का मतलब यहाँ पर होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, मिस ICF बफर प्लंजर बना होता है तो वह किसका बना होता है, तो वह कास्ट स्टील का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें बफर प्लंजर्स की फेस जो होता है उसकी डाया की अगर बात करें फेस डाया की, तो फेस डाया इसकी 457 mm के होते हैं, यानी 457 mm के होते हैं इसकी फेस की डाया, जो बने होते हैं कास्ट स्टील की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी एंकल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन ट्विन पाइप सिस्टम,
मिस्ट ट्यून प्रणाली जो होते हैं सिस्टम, उसमें कितने एंगल कॉक प्रदान किए जाते हैं, तो टोटल दोनों साइड पर दो दो एफपी और बीपी का पाइप्स होते हैं, टोटल्स बात करें तो चार की संख्या में इसकी संख्या होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर, यानी चार्जिंग पोजीशन के दौरान ऑक्सिलरी रिजर्वायर में एयर प्रेशर होते हैं तो वह 6 kg/cm² होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कट ऑफ एंगल कॉक्स कैन बी फिटेड टू, यानी कट ऑफ एंगल कॉक को फिट किया जा सकता है एफपी और बीपी दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज, मीन्स पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर की संख्या होते हैं, तो बात करें इसकी संख्या की टोटल दो की संख्या में कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में दो की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर डाया की अगर बात करें तो कन्वेंशनल टाइप्स ब्रेक सिलेंडर के डाया 14 इंच यानी अप्रोक्स 355 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द कलर ऑफ ब्रेक पाइप्स इन कोचिंग ट्रेन्स, कोचिंग ट्रेन्स में ब्रेक पाइप्स की कलर पूछी गई तो वो ग्रीन कलर की होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरे कलर की। नेक्स्ट पूछे गए हैं फीड पाइप से तो फीड पाइप की कलर व्हाइट कलर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद इसका सही उत्तर हो जाएगा फीड पाइप के केस में, और ब्रेक पाइप के केस में ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हाउ मेनी डट कलेक्टर्स आर फिटेड इन अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोचेज, जो हर कोच के अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में कितने डट कलेक्टर लगे होते हैं उसकी संख्या टोटल पूछे गए हैं, तो उसकी संख्या की अगर बात करें तो दो की संख्या में लगे होते हैं, जो कि अगर बात करें तो एक एफपी पाइप के लिए होता है, एक बीपी पाइप यानी ब्रेक पाइप के लिए लगे होते हैं, जो जिसका काम होता है कि जो हमारा बाहर से जो हवा आते हैं उसको साफ करके डीबी को पहुंचा सके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दो की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए कट ऑफ एंगल कॉक्स ओपन पोजीशंस ऑफ हैंडल इज, मिस कट ऑफ एंगल कॉक की ओपन पोजीशंस हैंडल्स क्या दर्शाते हैं, तो यह ओपन पोजीशन जो होता है वो पैरेलल टू पाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय मीन ऑफ एसीटीआर, मिस एसीटीआर से आप क्या समझते हैं, तो एसीटीआर का मतलब होता है सिंगल कार टेस्ट रिग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेक सिलेंडर वेंट प्लग इज यूज्ड फॉर, मिस जो ब्रेक सिलेंडर का वेंट प्लग प्रयोग किया जाता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो वेंट प्लग की अगर बात करें तो वह ब्रेक को रिलीज करने के लिए, जब हमारा ब्रेक सिलेंडर रिलीज नहीं होता है उसके जस्ट बैक साइड में उसका प्लग लगा होता है वेंट प्लग, जिसको हम लूज करके ढीले करके हम ब्रेक सिलेंडर को रिलीज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द एम आर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, यानी इंजन की एम आर प्रेशर यानी जो हमारा मेन रिजर्वायर होते हैं उसकी प्रेशर पूछे गए हैं, तो वह उसकी अगर प्रेशर की बात करिए तो उसमें 8 to 10 kg का प्रेशर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इसमें होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी, एसएबी से आप क्या समझते हैं,
तो एसएबी का मतलब यहां पर अगर बात करें तो एसएबी टू प्रोवाइड टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है यहां पर। तो यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी एसएबी का काम होता है कि ऑटोमेटिक जो हमारा गैप होता है ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच, उसको मेंटेन कर सके, जिससे हमारा ब्रेक रिलीज अवस्था में रहे और जब अप्लाई करे तो उस ब्रेक कंडीशन आसानी से हमारा अप्लाई हो सके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए पीओएच पीरियोडिकली ऑफ डीबी इज, मिस डीबी का आवधिक पीओएच कितना होता है, तो वो 5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स बीच इवर इज अर्लियर में, जो भी पहले उस कंडीशन में कराया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोच इज, मिस जो हमारा आईसीएफ कोच लगे होते हैं उसमें टोटल वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो 1800 लीटर के होते हैं। यानी यहाँ पर बात करें तो जो हमारा एक टैंक की कैपेसिटी 450 लीटर की होती है और टोटल 4 की संख्या में टोटल टैंक्स लगे रहते हैं, तो यहाँ पर बात करें तो टोटल 1800 लीटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए इन आईसीएफ अंडर स्लंग टैंक्स कैपेसिटी ऑफ रूफ माउंटेड एसी कोचेज फिटेड विथ डब्ल्यूआरएस सिस्टम, यानी वाटर रेजिंग एपरेटस सिस्टम के साथ जो हमारा कोचों के टंकी लगे होते टैंक्स, उसकी क्षमता पूछे गए जो कि एसी कोचों में नीचे की तरफ लगे होते हैं, तो उसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो वह 1600 लीटर के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन एसी एसी टू आईसीएफ कोच के अंतर्गत, यानी आईसीएफ एसी द्वितीय श्रेणी में बर्थ की संख्या पूछे गए हैं, तो उसकी बर्थ टोटल 46 की संख्या में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन आईसीएफ चेयर कार कोचेज, मिस आईसीएफ चेयर कार कोचों के अंतर्गत नंबर ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो वो 73 की संख्या में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ, इस आईसीएफ कोचों के सोल बार में होते हैं तो वह जेड सेक्शंस के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए व्हाट इज द वाइल लेवल्स इन डैशबोर्ड, मिस डैशबोर्ड में तेल का स्तर कितना होता है, वह पूछे गए हैं, तो वह 40 mm की लेवल्स में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन आईसीएफ द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू, यानी आईसीएफ कोच में भार किसके द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, तो साइड बियरर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ कोच, मिस आईसीएफ कोच के हेलिकल स्प्रिंग का रंग कोड क्या होता है, तो इसमें अगर 3 टाइप्स के ग्रुप्स बटे होते हैं, ए ग्रुप्स, बी ग्रुप्स और सी ग्रुप्स, तो जिसमें हमारा ग्रुप्स ए में हमारा येलो कलर्स के होते हैं हेलिकल स्प्रिंग्स, बी ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सफोर्ड ब्लू होते हैं, जबकि अगर सी ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसमें ग्रीन कलर्स की हेलिकल स्प्रिंग्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें मेंशन है येलो ब्लू ग्रीन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द स्टैंडर्ड्स व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन इज, मिस गुड्स वैगन्स की स्टैंडर्ड्स व्हील गेज पूछे गए हैं, तो व्हील गेज की अगर बात करें तो यह 1600 प्लस 2
-1 mm होता है। अगर स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाए तो आप 16 mm इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है टेयर बेट ऑफ बॉक्सन बैगन्स, यानी जो बॉक्सन बैगन होते हैं उसकी टेयर बेट्स की अगर बात करें तो वह 22.47 टन्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं टेयर बेट ऑफ बीआरएन बैगन्स, यानी बीआरएन बैगन्स की टेयर बेट्स की बात करें तो वह 24.4 टन्स होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जो कि फ्लैट बैगन्स होते हैं बीआरएन टाइप्स। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रॉ गियर यूज्ड इन ब्रेक बांस गुड्स बीबी गुड्स, यानी ब्रेक बांस जो हमारा में किस प्रकार के ड्रॉ गियर्स का प्रयोग किया जाता है, तो बात करें तो इसमें अभी करेंटली में सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर्स का प्रयोग किए जाते हैं, जिसका काम ड्रॉ और बफिंग दोनों का काम करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूली बिल्ट बीएलसी कंटेनर बैगन्स फर्स्ट पीओज पीरियोडिकली इज, यानी जो नवनिर्मित बीएलसी बैगन्स होते हैं यानी बोगी लो कंटेनर बैगन्स, उसकी प्रथम पीओज की अगर बात करें तो वह 6 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पीओएच ब्रॉड गेज ब्रेक बांध इज, यानी जो ब्रॉड गेज ब्रेक बांध की पीओएच की अवधि क्या होती है, तो वो 2 वर्ष के अंतराल पर यह कराए जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सी क्लास ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट जो होता है वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं ए बी सी क्लास के। तो यहाँ पर पूछे गए हैं सी क्लास के जो ओडीसी होते हैं उसको कब संचालन यानी स्थानांतरित किया जाता है, तो वह दिन के उजाले यानी डे लाइट्स में ही केवल चलाए जा सकते हैं सी क्लास ओडीसी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर न्यू बैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स बिल इंडिकेट्स, यानी नए बैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक इंगित करेंगे। तो पहले 2 अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल नए बैगन नंबरिंग सिस्टम के अंतर्गत बैगन्स को टोटल 11 डिजिट्स में डिवाइड किए गए हैं। अगर बात करें तो पहले और दूसरे अंक की, तो यह बैगन की टाइप्स को बताते हैं कि यह बॉक्सन है BTPN या BCN टाइप्स है। थर्ड और जो 4 डिजिट्स होते हैं उसके, वह ऑनिंग रेलवे यानी किस जोन का यह बैगन्स है NCR WCR वगैरह किस रेलवे का या बैगन से उसको दर्शाते हैं। जबकि 5वें और 6ठे अंक की अगर बात करें तो यह मैन्युफैक्चर सीएस को दर्शाते हैं। अगर बैगन्स का निर्माण 2018 में हुआ हो तो उसके लिए कोड केवल 18 लिया जाता है 5वें और 6ठे डिजिट्स के अंतर्गत। उसकी अगर बात करें 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 की जो 4 अंक होते हैं इसे यह सीरियल नंबर्स कहलाते हैं। जबकि 11वां डिजिट्स जो होता है बैगन्स की वह चेक डिजिट्स को बताता है, जिसकी मदद से बैगन्स की नंबरिंग सिस्टम की सही या गलत होने का पता लगा जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे पूछे गए थे यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट्स के लिए, तो यह टाइप ऑफ बैगन्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय सीसीरेक्स, सीसीरेक्स से आप क्या समझते हैं, तो सीसीरेक्स यहाँ पर क्लोज सर्किट रेक होता है जो गुड्स बैगन्स की एग्जामिनेशंस और उसके मूवमेंट के लिए यह कराए जाते हैं। जिसकी अगर बात करें वैलिडिटी की तो यहाँ पर सीधे सीधे पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी टिक कर ले, क्यों यहाँ पर सीसीरेक्स सीसी का फुल फॉर्म क्लोज सर्किट रेक होता है। अगर इसकी डिटेल्स की अगर बात करें तो इसकी वैलिडिटी 35 डेज की होती है। अगर इसकी ब्रेक पावर परसेंटेज की बात करें तो जहां पर इसका एग्जामिनेशन होता है यानी ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर यह 100% और इन रूट में इसकी ब्रेक पावर्स 90% के होते हैं। साथ ही साथ यह येल्लो पेपर्स पर
यानी पीले कलर्स के पेज पर इसकी बीपीसी इशू की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, यानी एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब जो लगे होते हैं इसकी कलर कोडिंग पूछी गई है, तो उसकी कलर कोडिंग ब्लैक कलर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन ईयर ब्रेक इन टू इंड रेक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी रिमेंस अप टू द, यानी ईयर ब्रेक इन टू इंड रेक में गहन जांच के बाद बीपीसी की वैधता कितनी होती है वह पूछे गए हैं, तो उसकी वैधता की अगर बात करें तो वह डेस्टिनेशन पॉइंट तक होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें अगर बात करें तो 90% ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर ब्रेक पावर्स परसेंटेज होते हैं, अगर इन रूट की अगर बात करें तो इन रूट में 75% मिनिमम ब्रेक पावर इन टू एंड रैक के अंतर्गत होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन, यानी गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी के अंतर्गत कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता पूछे गए हैं, तो वह 6 लीटर के होते हैं, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं द बीपी प्रेशर इन ब्रेक बांस ऑफ 56 वैगन्स लोड शुड नॉट बी लेस देन, यानी 56 वैगन्स वाले बॉक्स एंड वैगन्स में जो हमारा होते हैं उसमें ब्रेक पावर्स लास्ट व्हीकल्स में कितने मिनिमम इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो बात करें तो 56 वैगन तक या 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, और अगर बात करें तो मोर देन 56 यानी 56 से अधिक होने पर मिनिमम 4.7 ब्रेक वान में होना चाहिए प्रेशर्स गुड्स के केस में, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 56 वैगन्स दिए गए हैं, तो 56 तक हमारा 4.8 मिनिमम होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं बेन बी रिलीज मैनुअली के ई टाइप डी बी द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम, यानी जब मैनुअली रूप से के ई टाइप्स डी बी को रिलीज करते हैं तो उसमें एयर प्रेशर जो होता है वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो उसमें ब्रेक सिलेंडर और कंट्रोल रिजर्वायर दोनों से प्रेशर निकलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट्स, यानी नोडल पॉइंट्स एंड शुरुआती पॉइंट्स पर ब्रेक पावर परसेंटेज क्लोज सर्किट रेक के केस में पूछे गए हैं, तो क्लोज सर्किट रेक के केस में अगर बात करें तो नोडल पॉइंट पर यह 100% बीपीसी परसेंटेज होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इन रूट के अंतर्गत तो इन रूट के अंतर्गत यह 90% मिनिमम होना अनिवार्य है सीसी रैक के अंतर्गत में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछा गया है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर सच प्रीमियम इन टू एंड रैक्स विल बी वैलिड फॉर, यानी जो प्रीमियम इन टू एंड रैक के लिए जारी ब्रेक पावर प्रतिशत कितने दिन के लिए मान्य होता है, तो यहां पर बात करें तो यहां पर भी प्रीमियम के केस में या 12+3 डेज की वैलिडिटी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बात करें तो यह 12+3 दिन की इसकी वैलिडिटी होती है और ब्रेक पावर इसकी 95% मिनिमम ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर दिए जाते हैं और ग्रीन कलर के पेज पर या बीपीसी इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप्स एंड फीड पाइप इज इन गुड्स ट्रेन, यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास गुड्स ट्रेन के अंतर्गत अगर बात करें तो यह 32 mm के होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इन टू एंड रेक, तो यह ग्रीन कलर के होते हैं यानी हरे कलर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं एस ए बी फिटेड इन, यानी एस ए बी फिटेड होता है वो कहाँ फिट होता है, तो वो मेन पुलर जो होता है लॉन्ग पुलर और शॉर्ट पुलर के बीच यह कनेक्ट होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं लेंथ ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज, यानी बॉक्स एंड वैगन्स के ब्रेक ब्लॉक की लंबाई पूछे गए हैं, तो वह अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज, यानी बॉक्स एंड वैगन्स की ब्रेक ब्लॉक की मोटाई पूछी गई है, तो वह 58 mm की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड थिकनेस होते हैं ब्रेक ब्लॉक्स की बॉक्स एंड वैगन्स की केस में। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ साइड बेरर्स फिटेड इन कैसनव 22 HS ट्रॉली, यानी कैसनव 22 HS ट्रॉली में किस प्रकार के साइड बेरर्स लगे होते हैं, तो इसमें अगर बात करें तो स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप यानी कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट टाइप जो होते हैं साइड बेरर्स उसका प्रयोग किया जाता है, और पॉली यूरेथीन टाइप्स जो होते हैं PU टाइप्स उसका प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पे लोड ऑफ BTPN वैगन्स, यानी BTPN वैगन्स की पे लोड की अगर बात करें तो यह 54.28 tons होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 54.28 tons। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरवल ऑफ ROH इन BTPN टैंक वैगन इज, यानी BTPN टैंक वैगन्स की ROH का अंतराल कितने महीने पर किए जाते हैं, तो यह 18 months के अंतराल पर यह किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन, यानी खाली लोड बॉक्स के स्थान पर BLC वैगन्स में किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो जो हमारा एम्प्टी लोडेड डिवाइस के जगह पर LSD यानी लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग किए जाते हैं बोगी लो कंटेनर वैगन्स के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लोड सेंसिंग डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ BLC वैगन इज, यानी BLC वैगन्स में एक्सल लोड क्षमता पूछे गए हैं, तो BLC वैगन्स की अगर बात करें एक्सल लोड कैपेसिटी की तो वह 20.32 tons होते हैं, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहां पर हाउ मेनी AC पैकेज यूनिट यानी RMPU प्रोवाइडेड इन कोचेज, यानी कोचों में कितने AC पैकेज यूनिट RMPU प्रदान किए जाते हैं, इसकी संख्या टोटल 2 की संख्या में होते हैं, इसका प्रयोग होता है जो बाहर से जो हमारे एयर साथी उसको फ्रेश कर सके कंट्रोलर यूनिफॉर्म टेम्परेचर्स में प्रदान कर सके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी पावर ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइडेड इन द पावर कार्स, जो पावर कार्स में कितने पावर ट्रांसफार्मर्स प्रयोग किए जाते हैं, तो वह 3 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइडेड इन द पावर कार्स, यानी पावर कार्स में दिए गए ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी है वह पूछे गए हैं, तो उसकी संख्या की अगर बात करें तो उसकी संख्या उसकी क्षमता की बात करें तो उसकी क्षमता होती है 60 kVA स्टार स्टार जो टाइप्स होते हैं उस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स प्रयोग किए जाते हैं इसकी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 kVA स्टार स्टार। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर हाउ मेनी डीजल टैंक्स
प्रोवाइडेड इन एलएचवी पावर कार्स। एलएचवी पावर कार में कितने डीजल टैंक्स प्रदान किए जाते हैं, तो इसकी संख्या टोटल दो की संख्या में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ डीजल टैंक्स प्रोवाइडेड इन द एलएचवी पावर कार, यानी एलएचवी पावर कार में दिए गए डीजल टैंक की कुल क्षमता कितनी होती है। तो टोटल आप जानते हैं दो की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। अब पर टैंक के लिए 1540 यानी 1540 लीटर्स की इसकी क्षमता होती है, टोटल 3080 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 3000 लीटर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच की राइडिंग इंडेक्स की बात करें तो वह 2.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां से जो 10 प्रश्न आगे पूछे गए हैं इसको पार्ट बी में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट बी में टोटल यहाँ पर या तो आप जनरल साइंस का प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं या तो राजभाषा का प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो आगे 10 दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम दोनों कराएंगे। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, अगर इस सेक्शन जनरल साइंस की अगर बात करें तो इसमें पूछे गए हैं हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ यूपी, तो यहाँ पर आनंदीबेन पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करिए अगर, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो हमारा पीएम मोदी है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पूछे गए, तो उसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की फुल फॉर्म की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछे गए यहाँ पर कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं कि हु इज द प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन मंत्री की बात करें तो यह नितिन गडकरी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछे गए हैं, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर हु इज द प्रेजेंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 यानी जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कराए गए हैं उसके विनर यानी विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बात करें उड़ीसा कैपिटल ऑफ उड़ीसा पूछा गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे 10 प्रश्न थे, ये जीके से कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल या तो जनरल नॉलेज का जो प्रश्न दिए गए हैं उससे या प्रश्न कंडक्ट करने थे अटेम्प्ट, या तो आप राजभाषा से प्रश्न कंडक्ट अटेम्प्ट करने थे। तो यहाँ पर बात करें राजभाषा से, तो राजभाषा से पूछे गए यहाँ पर पहले प्रश्न कि हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो इसकी बात करें तो गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होता है वह राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर भिन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड, वर्तमान जो संसदीय राजभाषा समिति के गठन कब हुई थी, तो वह जनवरी 1976 के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर, यानी साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है, तो वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर बात करें तो पहली बार इसको मई के अंतर्गत कंडक्ट कराए जाते हैं, और सेकेंड बात करें तो यह नवम्बर के अंतर्गत यह कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो पार्लियामेंट्री की अगर बात करें, पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो इसकी टोटल संख्या मेंबर्स की 30 की संख्या में होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो 20 हमारा लोकसभा के अंतर्गत होते हैं और 10 की संख्या में राज्यसभा से सम्मिलित होते हैं, और टोटल इसकी संख्या 30 होती है। जिसकी अगर अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, व्हाट इज द लंपसम अवार्ड गिवेन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन, यानी हिंदी अशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार कितना है। तो उसकी अगर बात करें तो वह 1500 रुपये दिए जाते हैं लमसम अवार्ड हिंदी एग्जामिनेशन के पास करने के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल विदेशी भाषाएं कौन से हैं, तो वो नेपाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा की दृष्टि से नई दिल्ली किस क्षेत्र के अंतर्गत डिवाइडेड है, तो वह क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा की दृष्टि से पंजाब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, वो तीनों ग क्षेत्र के ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटीज आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी वर्तमान में राजभाषा संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो इसकी टोटल 3 सब कमेटी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि इसकी सेकेंड जो कमेटी है वह रेलवे मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शन करती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।